कल बाईपास हुआ है, तो उनको मिलने के लिए गई। तो बात करते वक्त ये बात सबसे अहम आई कि स्ट्रेस आजकल सबसे बड़ी चीज़ है जिसको हम रोक नहीं सकते, चाहे वो छोटे बच्चे हों। आजकल वो भी कहते हैं कि मुझे बहुत टेंशन है, एग्ज़ाम की टेंशन है, दोस्तों से कभी झगड़ा हो गया तो टेंशन है, मम्मी पापा की डांट से टेंशन है। तो छोटी उम्र से ही टेंशन स्ट्रेस शुरू हो जाता है। तो उस स्ट्रेस को रोकने का एक ही साधन है कि हम अपने आप अपने विचारों पे, अपनी सांसों पे, जैसे उन्होंने कहा, उन चीज़ों पे हम कुछ ना कुछ ध्यान दें, उनको कंट्रोल करें। और योग जो वर्ड है, जो कहते हैं टू ब्रिंग टुगेदर, यूनाइट, और वो किस चीज़ को यूनाइट करता है? हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को और हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को। ये तीनों चीज़ों को जब हम स्ट्रॉन्ग करें, हम अपने आप को ताकतवर करें इन तीनों चीज़ों में, फिजिकली भी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें इस चीज़ की शक्ति मिलती है कि हम अपने आप को समर्पण कर लें कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। और ये खासतौर पे जिस तरह से कंपेटिटिव लाइन में हम लोग हैं, जो सारी दुनिया को जाहिर होता है कि किसके करियर में क्या हो रहा है, और हर फ्राइडे को जो बोलते हैं पिक्चर रिलीज होती है और आपकी रिपोर्ट कार्ड सामने आ जाती है, तो उसको आप यही एक्सेप्टेंस, मुझे लगता है राजयोग से हमें ये ताकत मिलती है कि एक्सेप्टेंस, हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो सकती, और हम चाहते हुए पूरी मेहनत करते हुए भी कई चीज़ें हमारे को सफलता जिसके हम चाहते हैं नहीं मिलती। कई हमारे फैमिली मेंबर्स को कभी किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, तो हमें कहाँ से ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी? दो चीज़ें होती हैं, इधर हम उसे एक्सेप्ट करें और दूसरों की हिम्मत बने, या हम टूट जाएँ। दो ही चीज़ें हैं, और फिर दूसरे लोग आपको बाकी टेंशन के साथ आपको संभालने में लग जाए। सो आई थिंक एक लाइफ में हमें अपने आप को शक्ति देना, और वो शक्ति कहाँ से मिलती है? मुझे लगता है योग करने से, क्योंकि जब हम दुनिया में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, कंपेटिटिव हो जाते हैं, हर चीज़ के लिए वक्त निकाल लेते हैं, मुझे लगता है हम सिर्फ एक भगवान के लिए वक्त निकालना लोगों को मुश्किल लग जाता है। और जब कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो इमीडिएटली सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। तो आई थिंक ये हमें ये चीज़ भूलनी, याद रखनी होगी, और ये भूल जाना होगा कि हम अपने आप में ही सबसे ज़्यादा सेल्फ इन्वॉल्व रहें। वी नीड टू रिमेंबर दैट देयर इज़ अ सुप्रीम पावर अबव अस, और उससे कनेक्ट करने का तरीका है कि हम स्पिरिचुअली अवेयर हो, योग में अपने आप को कुछ ना कुछ वक्त निकाल के मजबूत रखें। एंड आई थिंक अंदर से जब खुशी मिलती है, शांति मिलती है, तो हमारा पूरा नज़रिया, जैसे आपने कहा, नज़रिया बदलना पड़ता है, क्योंकि आप चीज़ों को तो नहीं बदल सकते। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, हम दो तीन लोग अगर साथ में एक ही सिचुएशन में बैठे होते हैं, मैंने देखा एक दो जो लोग हैं वो कॉन्स्टेंटली ग्रम्बल कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा हुआ, अरे ये कैसा होगा, कैसा होगा, ठीक है, आई एम नॉट एंजॉयिंग द सिचुएशन, लेट इट बी ना, रिलैक्स करो, और जो चीज़ हो रही है उसको एक्सेप्ट करके, दिस ऑलवेज समथिंग टू बी पॉजिटिव अबाउट। तो ये पॉजिटिविटी हम अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें। और मेरा एक्सपीरियंस ब्रह्म कुमारी सिस्टर्स के साथ काफ़ी, जितना मैं वक्त देना चाहती हूँ उतना शायद नहीं दे पा रही हूँ, पर जब भी उनसे मिलती हूँ, इतने अपने आप को पॉजिटिव और प्यार से भर के, जो बोलते हैं आपका जो घड़ा पूरा भर जाता है प्यार और पॉजिटिविटी से, वो लेके घर जाती हूँ, और उनकी याद बहुत रहती है। संजय भाई आई थिंक बहुत साल पहले उन्होंने मुझे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था ब्रह्म कुमारी सिस्टर से, मैं पार्लर सेंटर में जाती हूँ जब मौका मिलता है। बट मुझे एक चीज़ देखी है कि पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ, उनका आप उनसे ये साथ लेके जाइए, और उनसे ज़रूर जिसको भी मौका मिले आप राजयोग सीखने की कोशिश करिए, उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये बात आप जब एक बार खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आप सबसे शेयर करना चाहेंगे जो मैंने फील किया है। तो आज खास इंटरनेशनल योगा दिन के दिन मैं आप सबको यही मैसेज दूंगी कि अपने आप पे ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअली कनेक्ट रहिए विद स्पिरिचुअल फोर्स, और फिजिकली अपने आप को और मेंटली स्ट्रांग रखिए। थैंक यू सो मच।